हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल टॉक अबाउट फोर डिफरेंट थिंग्स एलर्जीज एक्जिमा एग्जिमा लोपेसिया पाउडरमा फर्स्ट एलर्जी व्हाट इज एन एलर्जी एलर्जी इज कॉज बाय एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मल रिस्पांस की वजह से होती है एलर्जी तो अब इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल रिस्पॉन्स कब करता है इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू हार्मफुल सब्सटांसिस जब हार्मफुल सब्सटांसेज हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अब नॉर्मली रिस्पॉन्स करता है सच एज़ पॉलेंट ड एनिमल डैंडर सर्टेन फूड्स इंसेक्ट स्ट्रिंग्स ये क्या हैं प्रोडक्ट हैं ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं एलर्जेंस के बॉडी में कॉन्टैक्ट के आने की वजह से हमारी बॉडी उन्हें एज ए एंटीजन एक्सेप्ट करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्स देती है एंटीबॉडी बनाती है वट आर एलर्जीज़ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज कुछ यहाँ पे लिखी हैं फूड एलर्जी स्किन एलर्जी डस्ट एलर्जी इंसेक् स्टिंग एलर्जी पेट एलर्जी आई एलर्जी ड्रग एलर्जीज एलर्जिक लेटेक्स एलर्जी मॉल्ड एलर्जी एंड कॉकरोच एलर्जी तो ये सब एलर्जीज मोस्ट ऑफ आपने सुनी होगी इस तरह की होती हैं फूड एलर्जी फूड एलर्जी आर एस्टिटेड टू अफेक्ट फोर टू सिक्स फोर परसेंट ऑफ एडल्ट ये देखा गया है कि चार से छः परसेंट ऑफ बच्चों को फूड एलर्जी होती है और चार परसेंट एडल्ट को होती है इट इज़ मोस्ट कॉमन इन बेबीज़ एंड चिल्ड्रेन लेकिन फूड एलर्जी मोस्ट कॉमन किस में होती है बेबी और चिल्ड्रंस में होती है बट कैन अपीयर एट एनी एज लेकिन किसी भी एज में आ सकती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड एलर्जेंस क्या क्या हैं एग मिल्क पीनट ट्रीनट फिश शैलफिस वीट सोए ठीक है वॉट इज एन एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन क्या होगा ए पर्सन एक्सपोज टू एन एलर्जन बाय इन्हेलिंग इट स्वेलोविंग इट और गेटिंग इन और देयर स्किन तो क्या होता है कि एक पर्सन जब एक्सपोज होता है किससे एलर्जन से कैसे इन्हीलिंग इट उसको सूंग लिया या इट निगल गए या फिर अपनी स्किन पे उसका गिरना मिलना उसकी वजह से एक्सपोजर मिलता है एक पर्सन को किससे एलर्जन से आप्टर अ पर्सन इज एक्सपोज जब एक पर्सन एक्सपोज हो जाता है एलर्जेंस से तो देर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ उसके बाद कुछ इवेंट्स के सीक्वेंस है जो चलता है उसे हम क्या बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं तो कैसा है थ्री स्टेप्स हैं इसमें द बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी आई जी ई टू बाइंड द एलर्जेंस जैसी हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है उस एलर्जन प्रोडक्ट के तो उसे हमारी बॉडी क्या समझती है एज ए एंटीजन और उस एंटीजन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी ठीक है एंटीबॉडी में बेस्ट एग्जाम्पल है आई वो किससे बाइंड करेगा उस एलर्जन प्रोडक्ट से दीज एंटीबॉडीज़ अटैच टू मास सेल विच कैन बी फाउंड इन द ए एयरवे और फिर ये एंटीबॉडीज जो हैं ये किससे जाके अटैच हो जाएंगी मा सेल से मा सेल कहाँ पाई जाती हैं एयरवे इंटस्टाइन और एल्सवेयर और भी कई जगह होती हैं बॉडी में मोस्टली एयरवे और इंटेस्टाइन में होती हैं तो एंटीबॉडी किससे अटैच हो जाएगी मासेल से थर्ड पॉइंट देखो एलर्जेंस बाइंड टू आईजीई, जी विच इज अटैच टू द मासेल विच कॉज द मासेल टू रिलीज अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इनटू द ब्लड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कॉज मोस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन तो सीधी सी कहानी है कि जो एलर्जेंस है वो किससे बाइंड होती है हमारी एंटीबॉडी से आई और जो फिर जाके अटैच हो जाता है मास सेल से और मास सेल फिर रिलीज करता है वैरायटी ऑफ केमिकल हमारे ब्लड में जिसे हम क्या बोलते हैं हिस्टामाइन और हिस्टामाइन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसे हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं वाट आर दिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस तो सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स क्या हैं कि इची वाटरी आइज़ हो सकती हैं स्नीजिंग इची रनि नोज रैसेस फीलिंग टायर्ड और हिल हाइप्स बन सकते हैं ठीक है चकत्ते पड़ सकते हैं फूड एलर्जीज कैन कॉज फ़ूड एलर्जी क्या क्या कॉज कर सकती हैं स्टमक क्रैम्प कर सकती हैं वॉमिटिंग हो सकता है डायरिया हो सकता है इंसेक्टिंग एलर्जी कैन कॉज स्वेलिंग रेडनेस पेन ओके सो डायग्नोस कैसे करोगे एलर्जी को इफ़ यू और सम वन यू नो हैज़ एलर्जी सिम्टम्स एन एलर्जिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट कैन हेल्प विद द डायग्नोसिस अगर किसी को पता है कि उसे एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए वो क्या करेगा डायग्नोसिस में हेल्प करेगा यू मस्ट फर्स्ट फाइंड आउट वॉट यू आर एलर्जिक टू इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव ट्रीटमेंट और अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेना है तो उससे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक हो जिससे कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सके एलर्जी टेस्टिंग कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एलर्जेंस दैट ट्रिगर योर रिएक्शंस और बहुत तरह के एलर्जिक टेस्टिंग होते हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे स्पेसिफ़िक एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ऐसे रिएक्शंस देती है इज स्किन टेस्टिंग एज वेल एज एलर्जी ब्लड टेस्ट तो स्किन टेस्टिंग भी अवेलेबल है और ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्किन टेस्ट गिव फास्ट रिज़ल्ट यूजली कॉस्ट लेस देन ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट क्या है फास्ट रिज़ल्ट देता है और ब्लड टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा लेस कॉस्ट में हो भी जाता है ब्लड टेस्ट आर हेल्पफुल बिकॉज इट ओनली इन्वाल्वस अ सिंगल निडल प्रिक हाउ एवर इट कॉस्ट मोर लेकिन ब्लड टेस्ट का क्या एडवांटेज है कि एक ही प्रिक में इससे हम सैंपल ले सकते हैं बट ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसमें कॉस्टली ज़्यादा है ऑल टेस्ट रिजल्ट मस्ट भी इंटरप्रेटेड विद मेडिकल हिस्ट्री और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से वो मैच करके देखना है हमें कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं एलर्जी के वो क्या कैसे आते हैं वट कुड भी दैट एलर्जिक ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एलर्जिक ट्रीटमेंट दो तरह की ट्रीटमेंट थेरेपी है हमारे पास एक मेडिकेशन थेरेपी है और एक इम्यूनोथेरेपी है मेडिकेशन थेरेपी में देख लो पहले आप डी कॉन्जेस्टेंस या एंटी हिस्टामाइंस आर दी मोस्ट कॉमन तो डी कॉन्जेस्टेंस एंड एंटी हिस्टामाइंस मोस्ट कॉमन यूज़ की जाती है ठीक है एंटी हिस्टामाइन क्या करते हैं हिस्टामाइन को ही ब्लॉक कर देते हैं उसका सिक्रीशन होना बंद करा देते हैं ठीक है थीके? दे हेल्प टू रिड्यूस अ स्टफ़ी नोज रनी नोज स्नीचिंग और इचिंग कार्टिकोस्ट्राइड ट्रीट इन्फ्लामेशन इन दे नोज ठीक है तो जो डी कॉन्जस्टेंट्स हैं या एंटी हिस्टामाइंस हैं ये क्या करती हैं हमारे स्टफ्फी रनी नोज स्नीजिंग और इचिंग को रिड्यूज़ करती हैं लेकिन जो कार्टिकोस्ट्राइड्स हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जैसे राहनाइटिस हो गया उसमें इन्फ्लोमेशन हो जाती है इम्यूनोथेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को प्रिवेंटिव थेरेपी होती है ठीक है ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन दैट इन्वॉवस गिविंग ग्रेजुअल इंक्रीज डोज ऑफ एन एलर्जन द स्लो इंक्रीज ऑफ एलर्जन अलाव द इम्यूनिटी सिस्टम टू बिकेम सेंसिटिव टू द एलर्जन ठीक है इम्योथेरेपी दे, दे देंगे इम्यूनोथेरेपी हम क्या करते हैं कि जो पर्सन है उसके लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए ठीक है वो कैसे हम बनाते हैं इसमें पेशेंट को हम ग्रेजुअली जो जिस प्रोडक्ट से उसका एलर्जी है उसी प्रोडक्ट के स्मॉल स्मॉल अमाउंट उसको हम देते जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे उसको टॉलरेट करना स्टार्ट कर देती है और इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट नहीं करती और हमारी बॉडी से काफ़ी कम लेस सेंसिटिव हो जाता है तब तक हम उसको डोज बढ़ा देते रहते हैं फिर एक टर्म आती है एनाफाइलेक्सिस एनाफाइलेक्सिस क्या है एनाफाइलेक्सिस इज़ अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन अभी तक आपने एलर्जिक रिएक्शन के बारे में समझा लेकिन एलर्जिक रिएक्शन अगर सीवियर हो जाए बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन में हो जाए तो वो क्या कहलाएगा एनाफाइलक्सिस कहलाया जाएगा द मोस्ट कॉमन एनाफेलेक्टिक रिएक्शन क्या क्या हैं टू फूड इंसेक्सिंग्स मेडिकेशन एंड लेटिक्स इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमनली एनाफेलेक्टिक रिएक्शन पेशेंट में देखे जाते हैं मेडिकेशन से स्पेशली ध्यान रखना है रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट और इसके लिए पेशेंट को तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंक्लूडिंग एन इंजेक्शन ऑफ़ एपिनाफ्रिन अलॉन्ग विद ट्रिप टू इमरजेंसी रूम इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एनाफाइलिस कैन बी फेटल पेशेंट को अपीनाफ्रिन भी दे देना है हमें हार्ट की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्योंकि हार्ट के वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब एनाफाइल रिएक्शंस होते हैं पेशेंट कैन बी गो इन शॉक पेशेंट शॉक में जा सकता है तो ऐसी चीज़ के लिए हमें इमरजेंसी रूम में पेशेंट को लेके जाना है अगर प्रॉपर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो एनाफाइलिस की वजह से डेथ भी हो सकती है एनाफाइलेक्सिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सिम्टम्स एनाफाइलिस टिपिकली स्टार्ट विद इन फाइव टू थर्टी मिनट्स कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद एलर्जेंस जब किसी एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो पाँच से तीस मिनट के बीच में हमें एनाफाइलेक्सिस के रिएक्शंस यानी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वार्निंग साइंस क्या हैं इसके रेड रैस विद हाइव्स वेल्ट यूजली इची ठीक है हमारी बॉडी में रेड रैस की तरह बन जाएंगे चकत्ते टाइप के बन जाएंगे ठीक है वो खुजली वाले बनते हैं स्वेलिंग हो जाएगी थ्रोट और एरियाज ऑफ द बॉडी हमारे थ्रोट में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी और कई एरियाज ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी वीजिंग पेशेंट का जो साउंड है उस सांस लेने का उसमें आवाज़ आने लगेगी पासिंग आउट ओके चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी ट्रबल ब्रीदिंग हो जाएगी हॉर्स वॉइस हो जाएगी वॉमिटिंग डायरिया क्रैम्पिंग पेड़ और रेड कलर इन फेस और बॉडी ट्रबल इन स्वेल्विंग ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो एन का ट्रीटमेंट क्या होगा द बेस्ट वे टू मैनेज एल इज टू अवॉइड एलर्जन सबसे पहली बात किसी भी एलर्जिक रिएक्शन से पेशेंट को बचाना है उसका ट्रीटमेंट करना है तो उस एलर्जन से ही उसको दूर रखना है और बी प्रपेयर फॉर एन एमरजेंसी और किसी भी तरह की एमरजेंसी के लिए रे, रेडी रहना है इफ़ यू आर एट रिस्क फॉर एनाफेलेक्सिस कैरी ऑटो इंजेक्टबल एपीनफ्रिन ऑफन रेफर टू एज एपीपेन एपीपेन नाम से हम जानते हैं ठीक है ऑटो इंजक्टबल एपीनाफ्रिन होता है तो जब कभी भी किसी पर्सन को ऐसा लगता है डॉक्टर को कि हाँ ये कभी भी इसको एनाफेलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं तो उसको हम क्या दे के रखते हैं एक ऑटो इंजेक्टबल एपिनेफ्रिन देते हैं जो कि वो पेशेंट उस टमें यूज कर लेता है उसको एनाफेलेक्सिक रिएक्शंस आते हैं दिस ऑल अबाउट एलर्जी अब हम देखते हैं एक्जिमा एक्जिमा क्या है एग्जिमा कम फ्रॉम द ग्रीक नेम ऑफ बॉइलिंग क्या है ग्रीक नेम है किस चीज का बॉयलिंग का ठीक है बॉयलिंग मतलब उबालना तो इसके मतलब क्या हुआ टिनी वेसिकल छोटे छोटे बबल्स होते हैं जिनमें फ्लूड्स होता है वो अक्यूट स्टेज ऑफ डिजीज में हमें देखने को मिलते हैं ठीक है डर्माटाइटिस मैंने पहले ही बताया था मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं डर्माटाइटिस तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्जिमा देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा फर्स्ट कंटैक्ट डर्माटाइटिस सेकेंड एटॉपिक डर्माटाइटिस एंड नेक्स्ट सीबरोहोइ डर्माटाइटिस एंड लेट्स हैव अ लुक वन बाई वन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉन्टैक्ट डर्माटाइसिस इज एन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द स्किन टू फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या है एक तरह का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी की स्किन में आने लगता है ठीक है किन चीज़ों की वजह से किसी भी तरह के ऐसे एजेंट्स जो फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी क्या करती है एज ए एलर्जन उन्हें एक्सेप्ट करती है द एपिडर्मिस इज़ डैमेज बाय रिपीटेड फिजिकल और केमिकल इरिटेशन और जिसकी वजह से क्या होगा जो एपिडर्मिस लेयर है स्किन की वो डैमेज होने लगेगी जब बार बार फिजिकल और केमिकल इरिटेशन होती है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी ड्यू टू इरीटेशन और एलर्जेंस इरीटेंट्स और एलर्जेंस इरीटेंट और एलर्जेंस की वजह से कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ डर्माटाइटिस केसेस और डर्माटाइटिस में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ही होते हैं मोस्टली इंडस्ट्रियल ऐसे लोग जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं वहाँ पे वर्कर्स को ज़्यादातर चांसेस होते हैं ठीक है यूजअली ऑन हैंड्स एंड फोर आर्म्स और सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा हैंड्स और फोर आर्म में देखने को मिलेगा एक्यूट रिएक्शन एलिसिएटेड आफ्टर ब्रीफ कॉन्टैक्ट और एक्यूट रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जब कभी पेशेंट को थोड़े कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट हुआ होगा कॉमनली किन चीज़ों से हो सकता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बाई डिटर्जेंट एल्के्कलाइज और सॉलवेंट्स मैंने पहले बताया इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि ऐसे लोग जो डिटर्जेंट्स एल्कलाइज सॉल्वेंट जैसे सब्सटेंसेस के साथ काम करते हैं उन्हें ज्यादा रिस्क है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं इराप्शन बिगे वेन द पॉजिटिव एजेंट कॉन्टैक्ट द स्किन और स्किन जो एपिडर्मिस लेयर है उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही पॉजिटिव एजेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा द क्यूट फेज इंक्लूड इचिंग बर्निंग इरिदमा फॉलोड क्लोजली बाई एडीमा वेसिकल एंड एंडिंग एक्यूट फेज में क्या होगा इचिंग होगा पेशेंट को बर्निंग होगी रिदिमा होने लगेगा ठीक है और फिर उसके बाद पेशेंट को क्या हो जाएगा एडिमा पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे वेसिकल्स और ओजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा इन द सब एक्यूट फेज और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज जब आएगी तो उसमें क्या होगा दीज वेसिकल्स चेंजेस आर लेस मार्क्सड और फिर ये एंड दे अल्टरनेट विद क्रस्टिंग ड्राइंग एंड फिशरिंग एंड पीलिंग और जिसकी वजह से क्या होगा फिर लेस मार्क्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो क्रस्ट फॉर्मेशन या ड्राई होना या उनके अंदर क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे तरह के बनेंगे इफ रिपीटेटेड रिएक्शंस अकर और इफ़ द पेशेंट कंटिन्यूसली स्क्रैच द स्किन लैचिफिकेशन और पिगमेंटेशन अकर अगर बार बार पेशेंट को ऐसा रिएक्शन होता है और पेशेंट कंटिन्यूसली स्क्रैच करता जा रहा है अपनी स्किन को खुजली मिटाने के लिए तो क्या होगा पेशेंट को उसमें पिगमेंटेशन या लेचिफिकिफिकेशन होने लगेगी यानी कंडीशन और वर्स होने लगेगी पिगमेंट जो हमारी स्किन के बाहर निकलने लगेगी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन में फॉलो और फिर हमारी पेपिडर्मिस है जो ऊपर की लेयर से प्रोटेक्ट करती बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बैक्टीरिया वायरस को बॉडी में अंदर जाने के लिए और अगर हमने इस इचिंग कर दिया ज़्यादा तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कुछ ऐसे तरह दिखिएगा आपको कॉन्टैक्ट एक्जिमा वट कैन बी द मेडिकल मैनेजमेंट द ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट आर टू रेस्ट टू इन्वॉल्व द स्किन एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दर्दर डैमेज ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या रहेगा कि पहले तो जो स्किन है जो इन्वॉल्व उसको रेस्ट मिलना चाहिए और कोई भी पर्टिकुलर फर्दर डैमेज होता है उसे प्रिवेंट करना चाहिए डिटेल हिस्ट्री लो पेशेंट को कि किस चीज़ से एलर्जी है क्या प्रॉब्लम है कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है ठीक है द ऑफेंडिंग इरीटेंट इज रिमूव्ड और जो चीज़ से भी उसको इरीटेशन हो रही है वो रिमूव करना है लोकल इरीटेशन शुड भी अवॉइडेड सॉप इज नॉट जनरली यूज एंडल हीलिंग अकर और लोकल इरीटेशन अवॉइड कर देना है और सॉप नहीं यूज करना है जब तक कि हीलिंग प्रॉपर ना हो जाए रेस्ट एंड लिक्विड एप्लीकेशन देना है पेशेंट को ठीक है नॉन स्टराइडल प्रिपरेशन देनी है स्टेरॉइड्स नहीं देने नॉन स्टराइडल देने इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए डेली टेन मिनट शॉक सेन कूल जीरो पॉइंट सिक्स फाइव एल्यूमिनियम एल एसिटेट सॉल्यूशन ठीक है स्किन पार्ट जो भी अफेक्टेड uh, है उसको डेली दस मिनट के लिए शॉक करके रखना है किससे ज़ीरो पॉइंट सिक्स फाइव एल्यूमिनियम एसीटेट सोल्यूशन से uh, सलाइन और टैप वाटर सोक्ड फॉलोड बाई स्मेर और कॉर्टिकॉज क्रीम और लोशन ठीक है सलाइन और टैप वाटर इनसे सब सॉक करके रखना है जब कार्टिकॉज क्रीम और लोशन हमें लगा देनी है पोटेशियम पर मैगनेट दे सकते हैं पेशेंट को कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं वेट रैप ड्रेसिंग कर सकते हैं स्पेशली इन चिल्ड्रेन बाथ फॉलोड बाई स्ट्रॉयड अप्लीकेशन कवर्ड विथ डबल लेयर ऑफ ट्यूबुलर ड्रेसिंग जब पेशेंट को स्टरॉयड लगा रहे हैं हम बॉडी में इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए तो उसके ऊपर से हम डबल लेयर ट्यूबलर ड्रेसिंग भी कर सकते हैं सिस्टमिक कार्टिकोस्टाइड एंड एंटीबायोटिक्स केस ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट डरमाटाइटिस ठीक है एंटीबायोटिक्स I mean, या कॉर्टिकल भी हम यूज कर सकते हैं जब कोई कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है फिर है एटॉपिक इन द ग्रीक ठीक है इज ए स्टेट इन विच एग्जुबरेंट प्रोडक्शन ऑफ आई जी अकर्स एज ए रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंट एलर्जेंस हमारी बॉडी में मैंने एलर्जी ही समझ लो इस एक तरह से जिसमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडी uh, बनना स्टार्ट होती हैं जब कोई कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंट्स के कांटेक्ट में बॉडी आती है एटॉपिक पेशेंट डेवलप वन और मोर ऑफ एटॉपिक डिजीज एज अस्थमा है फीवर फूड एलर्जी ठीक है तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा कि उन्हें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से वो अस्थमेटिक होने लगेंगे अस्थमा होने लगेगा उनको फीवर आएगा फूड एलर्जी हो सकती है कार्डिनल फीचर्स सबसे ज्यादा मेन फीचर क्या दिखेगा इचिंग देखने को मिलेगा लुब्रिकेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगी ठीक है रेस्टोरेशन ऑफ स्किन बैरियर फंक्शंस फंक्शंस स्किन बैरियर फिर से वापस सही होने लगेंगे टॉपिकल इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देखने को मिलेंगे ठीक है कार्टिकोस्टराइड फोटोथेरेपी ऑफ सी इन्फ्लामेशन एंड प्योराइटिस कार्टिकोस्टराइड हम दे सकते हैं फोटोथेरेपी दे सकते हैं कि हम इनफ्लामेशन और खुजली को रोकने के लिए प्रोराइटिस रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस रिड्यूस फ्लेयर्स हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं एंटीबॉडीज दे सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फिर है टर्माटाइटिस कॉमन एक्जिमा ऑफ हेयरी एरिया शो करेक्टर्स ग्रीसी येलोइ स्केल हमारी बॉडी पे हेयरी एरियाज में कहा थे कि ग्रीसी येलोइ स्केल्स देखने को मिले मे बी रेड स्कैली एक्जिक्यूटिव और ड्राई स्केली देखने को मिलेगा अफेक्ट करेगा स्कैल्प ईयर आईब्रो फेस प्री स्टर्नल एरिया आमपेट एम्प्लिकेशन ग्रोइन को ऐसे नैपकिन डाटाइटिस क्या है इरीटेंट इन नेचर एग्रीवेटेड बाई वाटर प्रूफ प्लास्टिक पैंट फेसिस एंड यूरिन नैपकिन डर्माटाइटिस क्या है जब कोई नेचुरल एग्रीवेटेड वाटर प्रूफ प्लास्टिक पैंट फेसिस और यूरिन के कॉन्टैक्ट में आता है तब पेशेंट को ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मोस्ट रिदमा ऑफ नैपकिन एरिया पेरिंग स्किन फोल्स मोस्टली हमारे जो स्किन फोल्स हैं वहीं पर हमको इससे इरीटेशन बनती है कैंडिडा सुपर इन्फेक्शन इज कॉमन कैंडिडा से सुपर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है चाइल्ड शुड बी अलाउड टू बी फ्री ऑफ नैपकिन एज मच एज पॉसिबल बच्चे को हमें नेपकिन से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना है जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ठीक है तो दिस वॉज अबाउट एग्जिमा दो चीज़ें पढ़ ली एलर्जी एंड एग्जिमा आप पढ़ते हैं एलोपेशिया एलोपेशिया क्या है इज डिफाइंड एज ए लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम एरियाज वेयर हेयर नॉर्मली ग्रोज हमारी बॉडी में जहाँ नॉर्मली हेयर ग्रो करते हैं वहाँ से लॉस ऑफ हेयर होना स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं एलोपेशिया एलोपेशिया कितने तरह के हो सकता है पार्शियल हो सकता है कंप्लीट बाल्डनेस हो सकती है लॉस ऑफ हेयर पूरी तरह से लॉस हो सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एलोपेसिया कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपेसिया मेन टाइप्स ऑफ हेयर लॉसेस आर एलोपेसिया एरेटा एलोपेसिया टोटालिस एलोपेसिया यूनिवर्सालिस एलोपीसिया बारबी एंड्रोजेनिक एलोपीसिया स्कैरिंग एलोपेसिकस एलोपेसियस ओके सो so, ऐसे होते हैं फर्स्ट एलोपीसिया एरेटा एलोपीसिया एरियाटा इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन विच कॉज पैची हेयर लॉस इट कैन रिजल्ट इन अ सिंगल बाल्ड पैच और एक्सटेंसिव पैची हेयर लॉस ये पैच फॉर्मेशन की तरह हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन है बॉडी में इम्यूनिटी uh, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है जिसकी वजह से कहता है पैची हेयर लॉस होते हैं हमारी बॉडी में सिंगल बाल्ड पैच बन सकते हैं हेयर में ठीक है हेड पर और पैची हेयर लॉस हो सकते हैं ठीक है ऐसे जगह जगह धब्बे की तरह दिखेगा फिर एलोपीसिया टोटालिस एलोपीसिया टोटालिस इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एलोपीसिया एरियाटा विच रिजल्ट इन टोटल लॉस ऑफ ऑल हेयर ऑन द स्कैल्प और जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प पे मोस्ट ऑफ हेयर खत्म ही हो जाते हैं कुछ इस तरह एलोपीसिया यूनिवर्सालस एलोपीसिया यूनिवर्सालस इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एलोपीसिया एरियाटा विच रिजल्ट इन टोटल लॉस ऑफ ऑल हेयर ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग आईलैशिज एंड आईब्रोज देखो इसमें पेशेंट को हमारी बॉडी में हर तरह के जहाँ भी हेयर फॉर्मेशन होती है वो सब चाहे आईब्रोज भी हों वहाँ भी हेयर लॉस होने लगता है उसे कहते हैं एलोपीसिया यूनिवर्सालिस एलोपीसिया बारी एलोपिसिया बारबी इज एलोपीसिया एरियाटा दैट इज लोकेलाइज टू द बीयर्ड एरिया हमारे बियर्ड से रिलेटेड होता है इट कैन बी सिंगल बाल्ड पैच यहाँ सिंगल बाल्ड मतलब एक पैची टाइप के भी हेयर लॉस हो सकता है या फिर मोस्ट मोर एक्सटेंसिव हेयर लॉस भी हो सकता है होल बियर्ड एरिया की तरफ एग्जाम्पल ऐसे कुछ ठीक है ये पैची है फर्स्ट वन इमेज और सेकेंड इमेज में देखो लार्ज एरिया पूरी तरह से बियर्ड लॉस हुआ है फिर है अपने पास एंड्रोजेनिक एलोपेसिया ऑल्सो नॉन एज मेल पैटर्न बालनेस और फीमेल पैटर्न बालनेस ठीक है या के नाम से भी जानते हैं इट इज हेयर इन दलमोस्ट ट्रांसपेरेंट स्टेट इन बोथ मैन एंड वूमेन हेयर में क्या हो जाती है थिनिंग होना स्टार्ट कर जाती है बोथ मैन एंड वुमेन में हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से होती है ठीक है पेरेंट्स जेनेटिक है इट मोल्थ बोथ मैन एंड वुमेन इट्स लिंक टू है अराउंड द हेयर फॉलिकल्स विच कैन ब्लॉक द हेयर ग्रोथ और होता क्या है एक्चुअली में कि जो मेल हार्मोन है जैसे मेल हार्मोन जो एंड्रोजेंस हैं वो होते दोनों में हैं मैन और वुमेन में वुमेन में सप्रेस्ड होते हैं और मैन में होते हैं लेकिन क्या होता है कि एक्सेस फॉर्मेशन होने लगता है जब एंड्रोजेंस का तो हेयर फॉलिकल्स के पास में क्या हो जाता है वो ब्लॉक कर देता है हेयर की ग्रोथ को वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप एड्रोजेनिक एलोपीसिया आफ्टर मेनोपॉज वेन दे हैव फीवर फीमेल हारमोन्स और जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद में ज़्यादा चांसेस होते हैं वुमेन्स को ऐसी तरह के एलोपीसिया होने के क्यों क्योंकि उनके अपने ओन उन जो फीमेल हारमोन हैं वो आफ्टर मेनोपॉज क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं तो मेल हारमोन उन पर ज़्यादा एक्ट करता है मोस्ट केसेज ऑफ हेयर लॉस आर ड्यू टू एंड्रोजेनिक एलोपीसिया और मोस्टली जिन लोगों को हेयर लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है एंड्रोजेनिक एलोपीसिया देखो पैटर्न ऑफ बालनेस आप देख सकते हो इमेज में मेल पैटर्न हेयर लॉस किस तरह से हो रहा है ठीक है ग्रेजुअली 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 एंड देन फाइनली क्लीन एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फिर है स्कैरिंग एलोपीसियस स्कैरिंग एलोपीसियस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ़ रेयर डिसऑर्डर विच कॉज परमानेंट हेयर लॉस एक तरह का रेयर डिसऑर्डर है जिसमें परमानेंट हेयर लॉस होने लगता है ठीक है कॉज बाईन एनी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विच कॉज परमानेंट डैमेज टू हेयर फॉलिकल्स बर्न बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑटो इम्यूनिक डिजीज तो कोई भी ऐसी कंडीसन है जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ परमानेंट ही लॉस हो जाएगा बर्न हो गया किसी जगह ठीक है स्कैल्प में बर्न हो गया फेस में बर्न हो गया कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया या ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ हो गई उसकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से इमेज आप देख लो कॉजेज ऑफ एलोपीसिया क्या हो सकते हैं एक्सपोजर टू एलर्जन इरिटेंट टॉक्सिन बर्न इंजरीज एंड इन्फेक्शन सर्टन मेडिसिन भी हैं स्पेशली एनाबोलिक स्टेड लाइक टेस्टोस्टरॉन ठीक है like इनकी वजह से भी हो सकता है क्रॉनिक किडनी फेलियर्स रेडिएशन कीमोथेरेपी माल न्यूट्रिशन इनकी वजह से एलोपीसिया हो सकता है मेनी केसेज ऑफ़ हेयर लॉस आर टेम्परेरी बहुत लोगों में हेयर लॉसेस टेम्परेरी होते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू कीमोथेरेपी दे आर नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग एंड डोंट नीड ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी अगर किसी को चल रही है तो क्या हो जाएगा हेयर लॉस होगा पर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है उसे ठीक करने के लिए जैसे कीमोथेरेपी बंद होगी अपने आप हेयर लॉस फिर से कंपनसीट करके बॉडी हेयर ग्रो करने लगेगा हेयर लॉस इज कॉज बाई इन्फेक्शन और अंदर कंडीशन ट्रीटमिंग प्रिवेंट फर्दर हेयर लॉस हेयर लॉस अगर कोई इन्फेक्शन या अदर कंडीशन से हुआ है तो उस पर्टिकुलर इफेक्शन या कंडीशन को ट्रीट करने से हेयर लॉस को हम बचा सकते हैं ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं ऑल दो हेयर लॉस रेयरली नीड्स टू बी ट्रीटेड वैसे तो हेयर लॉस बहुत ही रेयरली होता है कि उसे ट्रीट करना होता है बट मैनी पीपल सीक ट्रीटमेंट फॉर कॉस्मिक रीजन्स अब ये चीज़ें क्या हैं कॉस्मेटिक रीजनस की वजह से लोग ज़्यादातर ट्रीटमेंट सर्च करते हैं पहली और इंपॉर्टेंट बात देर इज नो क्योर फॉर एलोपेसिया कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिससे एलोपीसिया हम ठीक कर सकें एंड नो यूनिवर्सली प्रूवन थेरेपी टू इंड्यूस हेयर रीग्रोथ और कोई ऐसी थेरेपी आज तक नहीं बनी जो हेयर ग्रोथ को री कर सके फिर से स्टार्ट करा सके पर कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं जैसे फिनास्टेराइड्स इट इसे दे सकते हैं पेशेंट को इडेक्ट बाई प्रिवेंटिंग द हार्मोन टेस्टेर बीन कन्वर्टेड टू द हार्मोन हारमोन डिहाइड्रोटेस्टेरॉन टेस्टर को कन्वर्ट करने में ये प्रिवेंट कर देता है ठीक है डी एच टी डी डी टी कॉज क्या करता है हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है सो so, इसके ब्लॉक होने की प्रोडक्शन से हेयर फॉलिकल्स रीगेन कर जाएंगे और नॉर्मल साइज़ में फिर से वापस आ जाएंगे बाल्डिंग प्रोसेस यूजली रिज्यूम विद इन सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स इफ ट्रीटेड इज़ स्टॉप अगर किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है फिनेस्टेराइड का और उसने ट्रीटमेंट एक बारह महीने के बीच में बंद कर दिया है तो उसको फिर से बाल्डिंग आना स्टार्ट हो जाएगा हेयर लॉस हो जाएगा कुछ इस तरह से ये मेडिसिन है आपको और ऐसे हेयर ग्रोथ होती है नेक्स्ट है मोनोऑक्सिडिल मीनोक्सिडिल इज अवेलेबल एज अ लोशन यू रब ऑन योर स्कैल्प एवरी डे एक तरह का लोशन मिलता है जो हम अपनी स्केल्पे रोज लगाते हैं इट्स नॉट क्लियर हाउ मिनो वर्क बट एविडेंस सजेस्ट इट कैन कॉज हेयर रीग्रोथ इन सम समेन कुछ लोगों में ऐसा बोला जाता है कि हाँ हेयर ग्रोथ कर सकता है बट ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि कैसे ये काम करता है मिनोक्जिडिल इज करेंटली द ओनली मेडिसिन अवेलेबल टू ट्रीट फीमेल पैटर्न बार्डनेस और फीमेल पैटर्न बार्डनेस को ट्रीट करने के लिए एक ही दवा ऐसी अवेलेबल है जो मीनोक्डिल है ओके okay? कार्टिकोसराइड इंजेक्शन भी दे सकते हैं पेशेंट को एक्ट बाई द इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से एलोपेसिया हो रहा है तो हम कार्टिकोसोराइड इंजेक्शन दे सकते हैं दिस इज यूजफुल टू एलोपेसिया एरियाटा एलोपेशिया एरियाटा में ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि वहाँ पर इम्यून सिस्टम के वजह से ही हेयर फॉलिकल्स में डैमेज होता है ठीक है ये होती है मीनो रेटिन ए टेरिटिन इसे भी यूज कर सकते हैं रेटिन ए वॉज ओरिजिनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी और अदर स्किन प्रॉब्लम्स स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या एक्नी को ट्रीट करने के लिए हम इसे यूज करते थे हाउएवर कुछ स्टडीज़ ने ऐसा दिखाया है कि जब अलोन यूज करें हम एज ए जेल फॉर्म में विच इज़ रब्ड इन टू एरिया ऑफ हेयर लॉस और इन कॉम्बिनेशन विद टॉपिकल मिनोक्सिडिल कैन रिजल्ट इन मॉडरेट टू गुड हेयर ग्रोथ इन इंडिविजुअल विद एलोपीसिया मतलब ये देखा गया है कि अगर इसे हम जेल फॉर्म में रब कर दें जहाँ एरिया में स्किन लॉस हुआ है या फिर इसको हम मिनोक्सिडिल के साथ कंबाइन करके रब करें तो ये मॉडरेट हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है जिस लोगों में एलिपीसिया हुआ है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं इम्यूनिटी ज़्यादा हाई है तो इम्यूनिटी को कम करना है अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं विक्स लगा सकते हैं पेशेंट को ठीक है विक्स से उसका कॉस्मेटिक पर्पस थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा सिंथेटिक विक्स भी आते हैं दो टाइप के होते हैं सिंथेटिक और रियल हेयर विक्स सिंथेटिक जो एक्राइलिक के बने होते हैं और रियल हेयर विक्स भी बनाए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ऑप्शन देन वी हैव हाँ पायोडर्मा स्किन इन्फेक्शन एक तरह का होता है ठीक है पायोडर्मा में हमारे पास सिंपेटिको आता है एंड एच आता है और फॉलिकोलाइटिस

कैविटी एंड अराउंड माउथ हमारे ये मिलेगा कॉमनली बच्चों में होता है बिगनस एज अ वैसिकल और पर्सुअल वैसिकल बनेंगे और या फिर पासचूअल पस्टूर पर्सफॉर्मेशन पस्टूर के साथ बनेंगे एक तरह का बुला होता है जो बुलस इम्पैटिको केस बनाता है ठीक है इचिंग होगी बर्निंग सेंसेशन होगी वेसिकल रप्चर हो जाएंगे तो हनी कलर क्रस्ट भी बन जाता है ठीक है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या करेंगे है? हम टॉपिकल एंटीबॉडीज सॉरी एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को जैसे म्यूप्रियोसिन ऑइनमेंट देंगे पेशेंट को इफ नॉट क्योर्ड ओरल एंटीबायोटिक्स भी भी हम दे सकते हैं ठीक है एच आइमा क्या है डीप इन्फेक्शन है पंज्ड आउट अल्सर्स हैं सराउंडिंग रिदमा अल्सरेशन बन सकती है थिक एड्रेन क्रस्ट वाइल ब्लड वेन रिमूव्ड और जब ब्लड ब्लीड रिमूव किया जाएगा तो वहाँ पे क्रस्ट बन जाएगी फॉलिकुलाइटिस मल्टीपल पश्चूल अराउंड हेयर फॉलिकल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स के आसपास पस्चुल्स बन जाएंगे सुपरफिशियल होंगे और डीप फॉलिकोलाइटिस होंगे ठीक है दो टाइप्स के होते ही हैं फ्रंकल्स हो गए नॉडुलर पस फील्ड डीप थैन फॉलिकोलाइटिस होते हैं इन्हें हम जो नॉडुलर पस फील्ड होते हैं डीप होते हैं उन्हें हम फ्रंकल्स बोलते हैं कार्बंकल्स क्या हैं कॉलिएशन ऑफ मल्टीपल फ्रंकल्स मल्टीपल फ्रंकल्स इकट्ठा हो गए तो उसे कार्बंकल बोलेंगे कॉमनली सीन इन डायबिटिक्स ओवर द नेक रीजन कॉमनली हम डायबिटिक और पेशेंट में देखेंगे नेक रीजन में हमें देखने को मिलेगा सिस्टमिक सिम्टम फीवर देखने को मिलेगा और एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं पेशेंट को ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एलर्जी एक्जिमा एलोपेसिया एंड पाउडर्मा कोई भी तरह का डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो